हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो केस और वेलकम टू माय ज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम बात करेंगे हाइपर लूप वन ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है, ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो स्पीड ऑफ साउंड से चलने वाली। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी। जो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड होता है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और ये जो ट्रेन है ये 1223 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी। ये इतनी फास्ट है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट होता है वो 780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ता है, उससे भी ज्यादा आपको ये ट्रेन जो वो फास्ट देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हाइपर लूप वन ट्रेन की शुरुआत यहां पे कहां से हुई थी। हालांकि ये आइडिया अभी नहीं आया बल्कि 2012 का है, जहां पे एक बिलियनर साइंटिस्ट है एलन मस्क के नाम से जाना जाते हैं। उन्होंने इस तरीके की आइडिया को जो वो कंसेप्शलाइज्ड किया था और ओपन सोर्स के जरिए 2012 के अंदर पब्लिश किया था, ताकि दूसरी जो कंपनी से, दूसरे जो डेवलपर्स है, वो इस तरीके की आइडिया को अपनाए और साथ में अपने अपने ब्रांड्स के जरिए जो वो इस तरीके की ट्रेन जो वो बनाए। यहां पे बताया जा रहा है कि वर्जिन करके एक ऐसी कंपनी जो यूएस में बेस्ड, जिनके सीईओ का नाम है रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने यहां पे रिसेंटली यह कहा कि इंडिया के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र के साथ में जो वो पार्टनरशिप करी है और इस तरीके की ट्रेन हमें इंडिया में जो वो देखने को मिलने वाली है। यहां पे बता दे रहे कि मुंबई से पुणे के बीच में ये वाली जो वो ट्रेन चलेंगी, जो यूजुअली 3 घंटा लेता है मुंबई से पुणे के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, अब यहां पे सिर्फ 20 मिनट के अंदर जो वो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इस ट्रेन के जरिए। साथ में यहां पे बीच में आपको एक और स्टॉप मिलेगा जो कि नवी मुंबई का होगा, जहां पे बताया जा रहा है कि एक एयरपोर्ट भी बनने वाला है। तो ये एक स्टॉप बीच में आएगा, उसके बाद डायरेक्टली जो लास्ट स्टॉप होगा वो पुणे होगा। यानी कि बताया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये भी बताया जा रहा है कि ये अभी तक का सबसे चीप प्रोजेक्ट है। अगर हम ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करते हैं तो ये वाला अभी तक का सबसे चीप प्रोजेक्ट है। यहां पे वर्जिन कंपनी ने ये कहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है यहां पे एक्सीडेंट्स काफी कम करेगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये वैक्यूम के, यानी कि एक ट्यूब होता है उसके अंदर से ट्रेवल होगी। साथ में यहां पे बताया जा रहा है कि बहुत हजारों के हिसाब से जो वो जॉब्स आएगी और 150 मिलियन यात्री को हर साल यहां पे जो वो ट्रेवल करवाएगी। यानी कि इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि 1.5 लाख टन का यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है उसको भी यहाँ पे जो वो रिड्यूस कर देगी। यानी कि बहुत सारे फायदे यहाँ पे जो वो ये ट्रेन लेके आ रही है। अब आपको बता रहे थे कि हाइपर लूप वन ट्रेन एक्चुअली में जो वो क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और इतनी फास्ट ये ट्रेन यहाँ पे जो वो क्यों चलेगी। सबसे पहले आपको बता रहे थे कि हाइपर लूप वन ट्रेन अभी भी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। फिलहाल के लिए सिर्फ जो वो टेस्टिंग मोड में चल रही है और सबसे पहला इसका टेस्ट जो वो यूएस में किया गया था, जहां पे एक नेवाडा करके एक जगह है, वहां पे ये ट्रेन बता दे रही कि उन्होंने जब टेस्ट की थी तो 385 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने टच करी थी। हालांकि इसका जो टारगेट है वो 1223 किलोमीटर के आसपास जो वो इसका टारगेट है। तो हाइपर लूप वन ट्रेन आप लोगों को एक पॉड के शेप में जो वो देखने को मिलने वाला है। जो नॉर्मल कंपार्टमेंट्स हम ट्रेन के देखते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन हाइपर लूप वन यहां पे बता दे रहे कि एक पॉड के शेप में होगा। वो इसलिए क्योंकि यहां पे ये एक ट्यूब के जरिए जो वो ट्रैवल करेगी, इसलिए इस ट्रेन की साइज आपको काफी छोटी मिलेगी। यहां पे बता दे रहे कि इस ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 28 फीट के आसपास होगी, ट्रेन का जो विड्थ होगा वो 8.9 फुट का होगा और ट्रेन की जो हाइट होगी वो सिर्फ 7.9 फीट की होगी। जी हां, काफी छोटी सी ट्यूब साइज की आपको ये जो वो ट्रेन देखने को मिलेंगी। यहां पे बता दे रहे कि ट्रेन के अंदर जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मिलते हैं जो इतने ज्यादा हाई पावर होते हैं जो उसको पुश करेगी और इसके पुश के जरिए ट्रेन इतनी ज्यादा फास्ट चलेगी, जो बता दे रहे कि स्पीड ऑफ साउंड के टक्कर में जो वो ट्रेन चलने वाली है, जो कि 1235 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ये 1223 किलोमीटर पर आवर की जो चलेगी। यहां पे इसका जो इंजन होगा वो पीछे की तरफ से होगा और जो ट्यूब में जो बचा कुछ एयर होगा ये उसको अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नीचे की तरफ हैवी लगे हुए ये उसको पुश करेगी। ये बहुत ही अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बताया जा रहा है कि भले ही ट्रेन इतनी भी फास्ट क्यों ना चले, इसकी ट्रेन के अंदर एक्सीडेंट्स जो वो ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सीडेंट्स बीच में जो वो देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहां पे जो ट्रेन का कंपार्टमेंट होगा, जो पॉड होगा, उसके अंदर आप लोगों को एयर प्रेशर काफी कम देखने को मिलेगा। हो सकता है यहां पे ऑक्सीजन टाइप यहां जैसे कि एरोप्लेन में ऑक्सीजन मिलते हैं, कुछ इस तरीके की ऑक्सीजन चीजें भी आपको उसके अंदर जो वो देखने को मिलेंगी। यहां पे ये बताया जा रहा है कि 2019 से ये ट्रेन जो वो बनना शुरू होगी इंडिया के अंदर, जहां पे 2021 की एंड तक हमें जो वो ट्रेन इंडिया के अंदर जो वो देखने को मिल सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश के अंदर भी यहां पे ये ट्रेन की जो वो बातें चल रही थी एक कंपनी से, जो अक्टूबर 2017 के उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक का ये ट्रेन जो वो सामने नहीं आई थी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बताया जा रहा है कि ये ट्रेन सबसे पहला बनना जो वो शुरू हो जाएगी। अब यहां पे जाते जाते मैं आपको थोड़ी सी अपनी पर्सनल ओपिनियन दे देता हूं। अब इंडिया के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जो मेगा प्रोजेक्ट है, और काफी अच्छा है कि इंडिया का नाम काफी पॉपुलर है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि यार इतना ज्यादा आप खर्चा करते हो तो ये खर्चा अगर आप ऐसी जगह पे करो जहां पे हमारे इंडिया की गरीबी कम हो, इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है पानी की, लाइट की, और यहां पे बहुत चीजें हमारे इंडिया के अंदर जो कमी है, अगर आप ये खर्चा यहां पे करते हो तो वो खर्चा वहां पे करो, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होगी। जो गरीब है, जो परेशान है, जो गांव में लाइट नहीं है, जो आज तकलीफ में लोग बैठे हैं, उनके काम आ जाएंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रहे, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कब आएगा हमें नहीं पता। सिर्फ एक प्रोजेक्ट नाम के होते लेकिन एक्चुअली हमें देखने को बहुत ही लेट मिलता है। डेट तो 2021 के एंड बता, लेकिन आते आते मुझे लगता है 2025 होने ही वाला है। तो ये कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी है हाइपर लूप वन ट्रेन के बारे में जो आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो अगर आपको ये ज्ञान सीरीज पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक,
करिए। मैं इसी फ्यूचर में आप लोग के लिए ज्ञान सीरीज लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।